नमस्ते छात्र, आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 3 रसकांड के पद हैं। इनमें एक पद पिछले वर्ग में पढ़े थे, बाकी 2 पद को अब हम पढ़ लेंगे। दूसरा पद, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पगिरौंगी, ओडी पीतांबर ले लंगुटी लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिराऊंगी, बाव तो होही मेरे रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग बराऊंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान दरी अदरान दराऊंगी। मोर पंखा, इसका अर्थ है मोर पंख। गुंज, इसका अर्थ है बगीचा। गरे का अर्थ है गले। पीतांबर, पीले रंग का कपड़ा। मुरली बांसुरी। अदरान करते वोंट। एक गोपिका कहती है कि मैं कृष्ण की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से युक्त मुकुट पहनूंगी, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से युक्त मुकुट पहनूंगी, अपने गले में उनकी ही तरह फूलों की माला पहनूंगी, अपने गले में, गरे करते गले, गले में उनकी ही तरह फूलों की माला पगनूंगी, मैं श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पगनूंगी। पीतांबर करते पीले रंग का कपड़ा, मैं कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनूंगी, मैं हाथों में लाठी लेकर गायों और गो बालिकाओं के साथ घूमूंगी, लकुटी बन, मैं हाथों में लाठी लेकर गायों और गो बालिकाओं के साथ घूमूंगी, कृष्ण से संबंधित हर चीज मुझे लुभाती है, इसलिए मैं उन चीजों को अपनाकर कृष्ण का नकल करूंगी। कृष्ण की तरह मैं भी मुरली को, मुरली करते बांसुरी, बांसुरी को अपने अधरों में रखकर बजाऊंगी, रसकान श्री कृष्ण प्रेमी होने से उनकी हर चाल का अनुसरण करना चाहते हैं, अनुसरण करते अनुकरण करना चाहते हैं।
गोपिका बनकर वे श्री कृष्ण की वेशभूषा में मोहित होकर कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से युक्त मुकुट पहनूंगी। मैं श्री कृष्ण की तरह सिर पर पंख रखूंगी, अपने गले में गुंज करते बगीचा, अपने गले में उनकी ही तरह फूलों की माला पहनूंगी। पीतांबर, पीतांबर कहते हैं पीले रंग का कपड़ा। पीतांबर पहनकर गाय चराने हाथ में लाठी लेकर वन में जाऊंगी। श्री कृष्ण की तरह मुरली को, मुरली कहते बांसुरी को अपने अधरों में, अधरों कहते ओंट में रखकर बजाऊंगी। मोर पंख का कहते मोर पंख, गरे कहते गले, पीतांबर कहते पीले रंग का कपड़ा, मुरली कहते बांसुरी। अब समझ में आ गई ना। भक्तों को अपने ईश्वर जैसी वेशभूषा धारण करने में बड़ा आनंद आता है। आज भी कृष्ण जयंती के दिन अपने पुत्रों का भी कृष्ण अलंकार करके माता पिता प्रसन्न होते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, एक विशेष। तीसरा पद शेष महेश गणेश दिनेश सूरी सहू जाही निरंतर गावे जाही अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचि हारे तव पुनि पार न पावे ताही हगीर की चोगरिया चचिया बरी चाच पे नाच नचावे। दिनेश कहते सूर्यदेव, निरंतर कहते लगातार, सुवेद श्रेष्ठ वेद, सुख शुभ मगरिषि, शुभ मगरिषि रटे जपते हैं, हहीर कहते ग्वाला, चचिया कहते मिट्टी का छोटा पात्र, चाच पे इसका कहते मट्टा, अंग्रेजी में बटर मिल्क कहते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरे सहु जाही निरंतर गावे। सैकड़ों फन वाले आदिशेष भगवान शंकर, शेष यानी शेषनाग, मगेश यानी भगवान शिवजी,
गणेश, भगवान विनायक, दिनेश, दिनेश यानी सूर्यदेव, सुरेश, सुरेश यानी इंद्रदेव, आदिशेष भगवान शंकर, भगवान विनायक, सूर्यदेव और इंद्रदेव सभी लगातार श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद सुवेद बतावे, वेद श्री कृष्ण को अनादि, अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो, अनंत जिसका अंत न हो। वेद श्री कृष्ण को अनादि, अनादि करते जिसके आदि न हो, अनंत करते जिसके अंत न हो, अखंड जिसके खंड न हो माने संपूर्ण, अचेत अभेद, अभेद करते भेद रहित एक रूपता कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद कहते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तवु पुनि पार न पावे, नारद मुनि से लेकर सुख और व्यास मुनि तक सभी बराबर श्री कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाते रहते हैं। श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी विराट है, विराट का अर्थ बहुत बड़ा है, अत्यंत विशाल है, वेरी बिग है। ताही हहीर की चोगरियां चचिया बरी चाच पे नाच नचावे, ऐसे भगवान कृष्ण को गोकुल की बालिकाएं एक दोने पर माने एक मिट्टी का छोटे पात्र में चाच दिखाकर मट्टा दिखाकर नचा रही हैं। इसका अर्थ है ऐसे भगवान कृष्ण को गोकुल की बालिकाएं थोड़ा थोड़ा मट्टा दिखाकर नाचने को कहती हैं, वे नाचते भी हैं। अब समझ में आ गए ना? अब तक दो पद पढ़े ना, ये दो पद को अच्छी तरह एक बार लिखिए, यही गृह कार्य है।
धन्यवाद।